अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं शहजाद खान, आप लोग देख रहे हैं फनी पाकी यूट्यूब चैनल। और आज का मैच आप लोगों ने देख लिया होगा, बांग्लादेश और पाकिस्तान का। एक उम्मीद जो है वो वापस जगा दी है और इस मैच ने, क्या जबरदस्त सा मैच हुआ। और वो कहते हैं ना कि यार एक काली छाया जो है वो आपके टीम के ऊपर जो है वो पड़ी हुई थी, और वो किस सूरत में पड़ी हुई थी, वो एक पर्ची की सूरत में पड़ी हुई थी। आज हमने जो है वो उस पर्ची को निकाला अपनी टीम में से। इमामुल हक की मैं बात करूं, इमामुल हक को हमने टीम से निकाला, यकीन कर हमारी टीम वाकई स्टेबल हो गई। मतलब एक कहते ना, एक पनौती जो है वो आपकी टीम में छाई हुई थी, और उस पनौती को निकालने के बाद जो है वो हमारी टीम जो है वाकई स्टेबल हो गई। फखर जमान जिस तरीके से खेलते हैं, हमेशा से उनका जो है वो एक अग्रेसिव स्टाइल रहा है, और उस अग्रेसिव स्टाइल की वजह से बहुत अच्छे रन करते हैं, या तो अच्छे करते हैं या तो नहीं करते। अच्छा, बहुत दफा जो है वो टीम में जो है बंदा आउट ऑफ फॉर्म होता है। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि बैट्समैन आउट ऑफ फॉर्म है, आपका बॉलर आउट ऑफ फॉर्म है, कुछ वक्त के लिए बैठा है यार उसको, एक दो गेम के लिए बैठा है, उसके बाद वापस देखा है। लेकिन आपने जो मेन गेम पे जो है वो फखर जमान को बैठाए रखा, इमामुल हक इतनी बड़ी पर्ची होने के बाद जो है वो आपकी टीम में खेलता रहा, वो बंदा स्कोर कर नहीं रहा है, आपने उसको ट्राई किया, इतनी जगहों पर ट्राई किया, उसके बाद जो है वो आप हल यही निकला कि आप जो है अफगानिस्तान से हार गए, आप साउथ अफ्रीका से मैच हार गए। अभी यकीन करें, अफगानिस्तान या साउथ अफ्रीका से मैच जीते हुए होते तो हम एक उम्मीद, क्या हमें एक बड़ी उम्मीद होती कि हम जो है टॉप फोर पे आराम से बैठे होते। लेकिन पाकिस्तान जो है वो आराम से जो है वो टॉप फोर में चले जाए या सेमीफाइनल में चले जाए, ये होता नहीं है। हमेशा जो है अगर मगर की सिचुएशन रहती है, आज भी अगर मगर की सिचुएशन है। तो बांग्लादेश ने 204 रन बनाए, और आज के मैच में जो है पाकिस्तान ने क्या जबरदस्त सा खेला है, विदाउट डर जिसको बोलते हैं ना, मैं कहता हूँ फेयरलेस क्रिकेट खेलनी चाहिए। और फेयरलेस क्रिकेट उसी वक्त होती है जब आपके ओपनर शुरू के पावर प्ले में अच्छा वो खेलते हैं और बगैर डर के खेलते हैं, और आज वही हुआ। फखर जमान चले, 80s में रन उन्होंने बनाए, और क्या जबरदस्त इनिंग उन्होंने खेली, और इसी वजह से पाकिस्तान ने 32 ओवर में जो है वो उस रन को चेस कर लिया। तो ये होती है भाई आपकी टीम स्पिरिट, ये होती है कि भाई आपका जो है ओपनर आपको अच्छा स्टार्टिंग दे दे। मैं हमेशा से ये बात करता हूँ कि यार शुरू के जो बैट्समैन है, जो ओपनर है, वो तेज खेले भले आउट हो जाए। यार आप सहवाग को देख ले, आप इंडिया के जिस बैट्समैन को देख रहे, शुरू पे उन्होंने एक चीज सेट की हुई है, रोहित शर्मा भी वैसे ही खेलते हैं, कि इंडिया की शुरू से एक स्ट्रेटेजी सेट है कि ओपनर आकर हमेशा मारेगा, चाहे वो जल्दी आउट हो जाए चाहे वो लेट आउट हो जाए। तो ये जो है वो स्ट्रेटेजी होती है, और यही मतलब क्रिकेट को आगे लेके जाती है कि आपके आने वाले बैट्समैन के ऊपर प्रेशर कम होता है। आप अगर जल्दी आउट हो जाते हैं तो वन डाउन आकर आपको संभालता है। तो खैर जी, आज जो है वो क्रिकेट बहुत जबरदस्त ही हुई, पाकिस्तान ने फेयरलेस क्रिकेट खेली है, बहुत जबरदस्त मजा आया मुझे इस मैच को देखने के बाद। और जो काली छाया जो है हमारे सिस्टम के ऊपर, हमारे टीम के ऊपर छाई हुई थी, वो यकीन करें हटी। मैं बहुत दुआ कर रहा था या अल्लाह के इस पर्ची को जो है वो कोई हटा दे, और वाकई पर्ची है, पर्ची क्या है, ये पूरा का पूरा रजिस्टर। खैर जी, परफॉर्मेंस इनसे होती नहीं है, बातें इनसे सुन लो, पॉडकास्ट में बैठ के बातें कर रहे हैं, अब पोस्ट प्रेजेंटेशन पे आके बातें करते हैं, और क्या बातें करते हैं जिसका कोई सर है ना पाव है, प्रोटीन की बात कर रहे हैं और फॉल बात कर रहे हैं। खैर जी, आज का मैच बहुत जबरदस्त हुआ, आप लोगों को होपफुली मैच अच्छा लगा हुआ, नहीं देखा है तो जाकर हाईलाइट में देखे, और मुझे जरूर बताइएगा कि मैच कैसा लगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा, दुआ में याद रखिएगा। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हमें अभी भी उम्मीद है, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा अगर मगर की सिचुएशन से पहुंच ही जाता है, उम्मीद है, और जब तक उम्मीद है तो उम्मीद है। तो आप लोग भी दुआ कीजिएगा, मैं भी दुआ करता हूँ कि पाकिस्तान जो है टॉप फोर में कैसे भी करके पहुंच जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।